और डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। महात्मा गांधी ने 1893 में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई थी। रंग भेद की नीति के कारण महात्मा गांधी को ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच से बाहर निकलने को कहा गया था और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें पीटर मेरिट्सबर्ग में ट्रेन के डिब्बे से बाहर धकेल दिया गया था। इस घटना ने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन करने की प्रेरणा दी। 1894 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव के खिलाफ नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की थी। इसके जरिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को एकजुट किया गया और भेदभाव वाले कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई गई। में इसराइल की वायुसेना ने इराक में बगदाद के पास बने ओसीरैक न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया था। इसराइल को शक था कि वहां न्यूक्लियर रिएक्टर की आड़ में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश हो रही थी। और 1912 में आज ही के दिन अमेरिकी सेना ने पहली बार किसी लड़ाकू विमान में मशीन गन लगाकर उसका परीक्षण किया था। अमेरिका के मैरीलैंड में हुए इस परीक्षण में जिस मशीन गन का इस्तेमाल हुआ था उसका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल लुइस के नाम पर लुइस गन रखा गया था, क्योंकि उन्होंने ही इस गन का आविष्कार किया था। आपको बता दें कि लुइस गन एक मिनट में 600 से ज्यादा गोलियां दाग सकती थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए